तो चलिए अब हम बात करते हैं पलामू और लोहरदगा लोकसभा सीट की, क्योंकि पहले फेज में 4 लोकसभा सीट में चुनाव होना है जिसमें पलामू और लोहरदगा भी शामिल है। तो आज हम बातचीत करेंगे पलामू और लोहरदगा से। देखिए, लोहरदगा से कांग्रेस की ओर से सुखदेव भगत चुनावी मैदान में है, तो बीजेपी की ओर से समीर उरांव चुनावी मैदान में है। पलामू की बात करेंगे तो राजद की ओर से ममता भुइयां को टिकट मिला है, और बीजेपी की बात करेंगे तो बीडी राम एक बार फिर से चुनावी मैदान में। तो कौन किस पर भारी है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लोहरदगा से शुरू करते हैं। इस बार ये नहीं समझ में आ रहा कि चमरा लिंडा चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं निर्दलीय, लेकिन अगर हम लोग कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस की ओर से सुखदेव भगत चुनावी मैदान में, बीजेपी की ओर से समीर उरांव चुनावी मैदान में, तो कौन किस पर भारी है, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, आपने शुरुआत की चमरा लिंडा से, तो मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है उसकी दिली ख्वाहिश होगी कि चमरा लिंडा चुनाव न लड़े, क्योंकि जब वो चुनाव लड़ते हैं तो चूंकि वो अपने क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हैं, तो वो वोटों का जो एक बड़ा चंक है वो अपने नाम कर जाते हैं, और फिर उससे परेशानी जो होती है वो कांग्रेस को होती है। जो इतिहास है वो इसी तरह का की चीजें हमें दिखा रहा है। अब सवाल उठता है कि सुखदेव भगत और आपको समीर उरांव में कौन भारी पड़ते हैं, तो आपको बता दूं कि मुकाबला जो है वो बहुत करीबी होने जा रहा है, और पिछली बार भी जो जीत हार का फर्क था वो बहुत ज्यादा नहीं था, 10,000 वोटों से अंदर ही जो है जीत हार हुई थी, और तब जो है बीजेपी के सुदर्शन भगत ने जो है ये सीट जीती थी 9,459 वोटों से, और सुखदेव भगत ही उनके अपोनेंट थे। तो सुखदेव भगत उस हार का हिसाब चुकता करने को बिल्कुल बेताब होंगे, बेकरार होंगे, लेकिन समीर उरांव यहां पर जो है उनका खेल खराब कर सकते हैं, क्योंकि समीर उरांव की भी दिली ख्वाहिश है कि वो पहली बार लोकसभा में बैठे, राज्यसभा में वो बैठ चुके हैं, तो उनकी इच्छा यही होगी कि वो लोकसभा में भी बीजेपी का प्रतिनिधित्व करें। अब क्या ये हो सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन देखिए, यहां पर जो ट्राइबल वोटर्स हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि 63-64% के आसपास जो है वो ट्राइबल वोटर्स जो हैं, और उनमें जो है क्रिश्चियंस की हम बात करें तो 13.91, मतलब लगभग 14% जो है वो क्रिश्चियंस हैं इन ट्राइबल वोटर्स में, और जो मुस्लिम्स हैं उनकी अगर हम उनके वोटर्स की बात करें प्रतिशत में, तो 14-15% जो है वो मुस्लिम भी निकल कर आते हैं। तो जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उसकी जो योजना होगी वो बहुत साफ होगी कि वो जो है जो आदिवासी वोटर्स हैं उनके वोट और जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके वोट को एक्यूमुलेट करे, और फिर जो है वो बीजेपी का सामना करे। दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश ये होगी कि वो जो ट्राइबल वोटर्स है उसका बड़ा चंक जो है वो अपने नाम करे। हालांकि काम किसी के लिए भी आसान नहीं है कि उसकी योजना सफलीभूत हो ही जाए। अब अगर इनके बीच चमरा लिंडा आ जाते हैं तो वो दोनों में से किसी का भी खेल खराब कर सकते हैं, और खास करके कांग्रेस का खेल तो वो ज्यादा खराब कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें किसका मजबूत पक्ष कौन है, तो अगर आप देखिए कि सिसई और गुमला जो है वो हम देखते हैं कि कांग्रेस का मजबूत गढ़ है, तो बीजेपी जो है की जो नजर होगी वो लोहरदगा और बिशनपुर, जो कि समीर उरांव का जो है गृह विधानसभा क्षेत्र है, यहां से वो विधानसभा चुनाव लड़ भी चुके हैं, तो इन दोनों पर जो है उसे अपनी बढ़त दिख रही है। बच जाता है बीच में जो पांचवा विधानसभा है मांडर, तो वहां का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि वहां किस तरह से जो है वोटिंग होती है और किसे जो है बढ़त मिलती है। तो ये 5 विधानसभा में से 2-2 पर आपको लग रहा है कि एडवांटेज 2 पर बीजेपी और 2 पर जो है आपको कांग्रेस को, तो मांडर डिसाइड कर देगा कि हाँ कौन जो है जीत किसे मिल सकती है। तो एक नजदीकी मुकाबले की आप उम्मीद कर रहे हैं, दोनों ही प्रत्याशी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि इस बार जो है वो अपनी पार्टी के लिए ये सीट जीते। मतलब आंकड़ों के मुताबिक यही पता चल रहा है कि अगर निर्दलीय चुनाव चमरा लिंडा लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा। ये बिल्कुल साफ है।
और अगर चमरा लिंडा लड़ते हैं तब बीजेपी के लिए काम जो है थोड़ा आसान होगा। हालांकि चूंकि चमरा लिंडा भी जो है वो विशनपुर से ही हैं, तो वो कुछ वोट समीर उराव का भी काटेंगे ये तय है, क्योंकि दोनों का विधानसभा क्षेत्र एक ही। लेकिन ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा। जी हाँ, ज्यादा नुकसान जो है वो कांग्रेस को होगा। और देखिए, जो चमरा लिंडा है वो समीर उराव को विशनपुर में एक बार शिकस्त दे चुके हैं 2014 में, तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर चमरा लिंडा लड़ते हैं चुनाव तो विशनपुर में तो समीर उराव को थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन बाकी जगहों पर जो है वो कांग्रेस को डेंट मारेंगे, या ये भी हो सकता है कि वो मुख्य मुकाबले में आ जाएं। तो इन परिस्थितियों से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बचना चाहेगा, और मुझे लगता है कि जो जेएमएम है और वो जो है चमरा लिंडा से जरूर बात कर रहा होगा, उन्हें समझाने की कोशिश करेगा कि वो चुनाव न लड़े, ताकि जो गठबंधन धर्म है उसका भी पालन किया जा सके। लेकिन फैसला आखिरकार जो है वो चमरा लिंडा को ही। आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि कांग्रेस की ओर से पिछले बार भी सुखदेव भगत चुनावी मैदान में थे और 10,000 तकरीबन वोट से वो हार चुके थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस वक्त चमरा लिंडा नहीं थे। अगर चमरा लिंडा आ जाते हैं तो ये अंतर और भी बढ़ सकता है। जी, और देखिए, ये भी एक बयान मैंने इनोसेका का सुना था कि अगर चमरा लिंडा वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो जो झापा है, मतलब झारखंड पार्टी है इनोसेका की, वो चमरा लिंडा को सपोर्ट करेगी, तो वो एक एड ऑन हो जाता है। चूंकि लोहरदगा क्षेत्र में भी झापा का अपना एक वोट बैंक है, क्योंकि अब आप देखिए 2019 की अगर आप बात कीजिए तब भी 20,000 वोट के आसपास झापा कैंडिडेट को मिला था, तो इसका मतलब ये है, जब हार जीत 10,000 वोटों से हो रही है तो 20,000 वोट एक मायने रखता है। तो इसलिए अगर झापा का भी सपोर्ट चमरा लिंडा को मिलता है तब फिर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, और फिर त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी किसी के हाथ भी लग सकती है। तो चलिए अब पलामू लोकसभा सीट को लेकर चर्चा कर लेते हैं कि पिछले बार की तरह इस बार भी बीडी राम चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से, और इस बार राजद की ओर से ममता भुइयां को टिकट मिला है। हालांकि ममता भुइयां पहले बीजेपी में थी, उसके बाद वो राजद ज्वाइन करती हैं, तो क्या लगता है वहां पर चुनाव कैसा होगा, क्योंकि पहली दफा ममता भुइयां लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। देखिए, जो ममता भुइयां हैं वो युवा हैं, महिला हैं, और उनकी कोशिश होगी कि वो पलामू सीट पर जो है राजद की जो लालटेन है उससे की लौ को तेज करें और वो जीत हासिल कर सके। लेकिन ये काम इतना आसान जो है वो आपको नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो राजद है जो कि यहाँ से लगातार फाइट में तो जरूर रहा है, लेकिन जीत जो है उसे 2004 से 2009 के बीच में ही दो बार मिली, जब एक बार जो है मनोज कुमार भुइयां जो है वो चुनाव जीते थे और एक बार घूरन राम चुनाव जीते थे। इसके अलावा राजद जो है अधिकांश अवसरों पर दूसरे नंबर पर रहा है, और अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तब जो है बीडी राम को बहुत ज्यादा वोट मिले थे, लगभग 62.5%, और ये मत बहुत होते हैं, क्योंकि अब अगर उन्हें आपको शिकस्त देना है तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि बीडी राम के जो 62.5% हैं उन्हें आप 50 के अंदर लाएं, तभी कोई फाइट बनती है, नहीं तो कोई फाइट नहीं बनेगी। ये बात सही है कि बीडी राम दो टर्म से जो है वो सांसद हैं, तो एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी जो है वो लोकल स्तर पर बनती है। हालांकि बीडी राम जो है अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कई मौकों पर जो है वो विदेशी मामलों के लिए जो समितियां बनती हैं उसमें शामिल किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन अगर आप और उनके वो अपने काम भी गिना रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप देखें तो एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी जो वहां पर आपको बनती है उसका कितना लाभ जो है ममता भुइयां उठा पाती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, और यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है मोदी सरकार के खिलाफ कि ये आपको 15-20%
का जो है आपको पूरा पलट जाए, स्विंग हो जाए, थोड़ा मुश्किल जान पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ममता भुइयां के लिए काम जो है आसान नहीं है। और दूसरी एक बात और है कि अगर आप पलामू में राजद के वोटों को देखेंगे तो जब राजद जो है 2004 में जीता था तभी उसने जो है सबसे ज्यादा 32% वोट जो है वो लाए थे। अगर आप बाकी देखें तो जो उसका वोट प्रतिशत है वो 25% के अंदर ही रहता है, 22 से 25 के बीच में। तो एक जंप जो है राजद के वोटों में भी चाहिए। तो क्या ममता भुइयां वो काम कर सकती हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। तो मुझे लगता है कि जो पहले फेज में जिन चार जगहों पर लोकसभा के चुनाव झारखंड में होने हैं, जिसमें कि पलामू, लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम की बात हो रही है, उसमें मुझे लगता है कि पलामू सीट पर जो है वो बीजेपी को थोड़ा एज दिखता है। और अगर ममता भुइया को कुछ करना है, अगर 1984 के बाद एक बार फिर से जो है अगर पलामू में महिला सांसद बनना है उन्हें, तब जो है उन्हें कुछ बहुत ही मैंने औसत से बहुत बेहतर प्रदर्शन करना होगा। और यही देखना है कि कितना जो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो पलामू में अभी है कि वो इतने प्रतिशत मतों का जो है स्विंग करा दे बीजेपी के खिलाफ। तो देखिए, आज हम पलामू और लोहरदगा लोकसभा सीट को लेकर चर्चा किए कि आखिर कौन प्रत्याशी किस पर भारी है, और ये भी जानने और समझने की कोशिश किए कि आखिर किस तरीके से वहां पर चुनाव होंगे, किस तरीके से प्रत्याशी जो है वो तैयारियों में जुट चुके हैं। क्योंकि लोहरदगा की बात करेंगे तो एक बार फिर से सुखदेव भगत चुनावी मैदान में है, कांग्रेस की ओर से उन्हें टिकट मिला है। और अगर बीजेपी की बात करेंगे तो समीर उरांव चुनावी मैदान में, कौन किस पर भारी है आपने सुना। इसके साथ ही पलामू की बात करेंगे तो पहली दफा राजद की ओर से ममता भुइयां को चुनावी मैदान में उतारा गया। अब ममता भुइयां किस तरीके से प्रदर्शन करती है और बीडी राम को किस तरीके से हराती है, या फिर बीडी राम किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं और एक बार फिर से हैट्रिक बनाते हैं, ये तो समय बताएगा। और तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार।